बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल राहुल फ्लूटिस्ट। टुडे आई एम हेयर विद माई फ्लूट और आज का ट्यूटोरियल है ऑन द सॉन्ग राता लमिया। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, तो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आपकी कोई रिक्वेस्ट हो तो आप मुझे क्या है कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें फ्लूट के रिगार्डिंग, सॉन्ग के स्केल के रिगार्डिंग और क्या है जो नोट्स हैं उनके रिगार्डिंग आप लोगों को मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ये रहेगा जो सा है हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो सॉन्ग है जो स्केल का वो हमारे पास ए शार्प है और मैं इसे जी शार्प मिडल फ्लूट पे बजा रहा हूँ, ठीक है। आपके पास कोई फ्लूट आप इस नोटेशन का यूज़ करके उस पे इसको बजा सकते हैं। चलिए अब नोट्स बता देता हूँ आपको, नोट्स हम कौन कौन से यूज़ करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, मतलब एक भी कोमल स्वर नहीं है इसमें, तो इस तरह से हम इसको क्या है प्ले करेंगे। ये हमारा सा रहेगा, उसके बाद रे रहेगा, उसके बाद गा रहेगा, उसके बाद मा रहेगा हमारा शुद्ध, और उसके बाद पा रहेगा, ठीक है। उसके बाद धा, सिर्फ इतने धा तक ही हम इसको क्या बजाएंगे, और कहीं पे हम इसका सा यूज़ करेंगे तो जहाँ पे भी उसको हम यूज़ करेंगे तो क्या साथ के साथ उसको मैं बताता जाऊँगा। और जो मंदर सप्तक के रहेंगे हमारे नी रहेगा, उसके बाद धा रहेगा, उसके बाद पा रहेगा। तो यही क्या हमारे क्या है बेसिक इसमें नोट्स रहेंगे। तो चलिए सॉन्ग को शुरू करते हैं। फर्स्ट मैं सॉन्ग की लाइन इस पे प्ले करूंगा, उसके बाद आपको नोटेशन बताऊंगा और फिंगर भी दिखाऊंगा, स्क्रीन पे आपको नोटेशन नजर आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम इसी लाइन को बजाएंगे, तेरी मेरी गल होगी मशहूर, करे ना कभी तू मुझे नजरों से दूर, कितने चली है तू, कितने चली है तू, कितने चली है। फर्स्ट इसको बजाएंगे, ये हमारा रे से बजेगा। ये कैसे रहेगा, रेगा गा रे गा रे सा, ठीक है, इतना रहेगा, रेगा गा रे सा, रेगा गा रे गा रे सा। जो आपको स्क्रीन पे नोट्स नजर आ रहे हैं बिल्कुल सही है, आप उसको क्या है वहाँ से इसको नोट कर लीजिए, पहले लर्न कर लीजिए, ठीक है। पहले इसको याद कर लोगे ना तो आप इसको बजाना इस पे क्या रहेगा आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने याद नहीं किया ना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पहले तो आप उसको वहाँ से याद कर लीजिए, रेगा गा रे गा रे सा, इतना बजा, रेगा गा रे गा रे सा, इतना बजा। ये बजाएगा हमारा, तेरी मेरी गल हो गई मशहूर, क्लियर हुआ इतना, बजा के दिखाता हूँ। क्लियर हुआ, रेगा गा रे गा रे गा रे सा, क्लियर हुआ, रेगा गा रे गा रे सा। जो नेक्स्ट लाइन है, करे ना कभी तो मुझे नजरों से दूर, वो कैसे बजेगी, वो ये रहेगी, इस पे पहले बजाता हूँ, ये रहेगा, सारे रे सारे सा धा, सारे रे सा रे, दो बार, ठीक है, सारे रे सारे रे सारे सा धा, सारे रे सारे सा धा, ऐसे हो जाएगा, क्लियर हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट जो लाइन है टू लाइंस, वो भी ऐसी रिपीट होंगी, जान दाए दिले ते जान दिए तो, जो भी वटेवर जो भी लिरिक्स है आप उसको देख लेना, ठीक है। जस्ट इसी लिरिक्स को क्या है इसी नोटेशन को जब आप रिपीट करोगे तो आपको क्या है वो बिल्कुल सेम टू सेम बजेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है, पहले फ्लूट पे जाता हूँ, उसके बाद आपको क्या है नोटेशन दिखाऊंगा। तो ये कैसे बजेगी, ये रहेगा गा से बजेगा ये हमारा, ठीक है, ये गा से रहेगा, गा पा, ठीक, गा पा धा पा मा गा रे, क्लियर हुआ, पा मा गा रे, इतना हुआ। उसके बाद सा धा सा गा गा रे सा धा सा गा गा रे, इतना हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है, जिया नहीं जाता सुन बावरे, वो भी क्या रहेगी, बिल्कुल सेम टू सेम रिपीट करने से क्या है हमारी वो लाइन भी क्या है एज इट इज बजेगी। इसी को आप जब रिपीट करोगे कैसे बजे, गा पा धा पा मा गा रे, उसके बाद सा धा सा गा गा रे, क्लियर हुआ। इस टाइप से ये हमारी क्या है टू लाइन बजेगी। उसके बाद रहेगा, जिया नहीं जाता सुन बावरे के राता,
सो जो नेक्स्ट लाइन है पहले फ्लूट पे, ये रहेगी के राता लंबिया लंबिया वे कटे तेरे संगिया संगिया वे। सो ये कैसे बजेगी, ये बजेगा हमारा सा से, सनी पा धा सा धा। उसके बाद फिर दोबारा से सनी पा धा पा सनी पा सा धा सनी पा धा पा। क्लियर हुआ? सो इस टाइप से हमारी दोनों लाइन क्या है, जितनी बार भी हमारा क्या है स्टैंजा, फर्स्ट जो स्टैंजा है रिपीट होता जा रहा है, ठीक है, स्थाई अंतरा, उसी टाइप से अब इसको क्या है बजाते रहना। सो ये यहाँ से पूरा क्या क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा अंतरा, तो चलिए अंतरा देख। उसके बाद नेक्स्ट है अंतरा, अंतरे की लाइन पहले मैं फ्लूट पर बजाऊंगा, उसके बाद आपको क्या नोटेशन भी दिखाऊंगा, फिंगर भी नजर आएंगे। तो ये है चम 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 अंबरा दे तारे कहंदे ने सजना। सो इसी को बजाएंगे पहले, ये अंतरा बिल्कुल इजी है इसका, ये गा से रहेगा, गा 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 3 बार, गा 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 रे गा। उसके बाद रे सा सा गा 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 रे सा सा। उसके बाद सा रे रे प म गा सा रे रे पा, जल्दी से बजाना आपको सारे। उसके बाद रे पा म ग रे, ठीक है, सारे रे पा म ग रे। क्लियर हुआ? तो ये दोनों लाइन साथ ही बजेंगे, सा सा ओ सॉरी गा 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 रे सा सारे रे पा पा म ग रे कहंदे ने सजना। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है, तू ही चंद मेरे इस दिल दा मन ले आवे सजना। वो भी क्या है एज इट इज, जब हम इसी टू टू लाइंस को क्या है टू लाइंस की नोटेशन को दोबारा से रिपीट करेंगे तो वही हमारा क्या है बिल्कुल सेम टू सेम क्या है बजने वाला है। तो चलिए इसकी जो नेक्स्ट लाइन है उसको बजाते हैं और उसको क्या है सीखते हैं। तेरे बिना मेरा होवे ना गुजारा, उसके बाद छड़ के ना जावी मैनू तेरा ही सहारा। तो कैसे बजेगी ये रही गा से, गा मा पा पा गा मा पा, पहले तो आप में बजाओगे इसको गा मा पा, उसके बाद पा पा 4 बार पा रहे हैं, गा मा पा पा, उसके बाद पा धा पा मा पा पा, 3 बार फिर पा धा पा मा पा पा, 3 बार फिर पा। उसके बाद दोबारा से जब लाइन रिपीट होता है, छड़ के ना जावी मैनू, वो भी कैसे रहेगी, वो भी ऐसे बजेगी गामा पा पा, वो भी ऐसे रहेगी गामा पा 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 गामा पा, उसके बाद पा पा 4 बार पा, उसके बाद पा धा पा मा गा रे पा धा पा मा गा रे पा धा पा मा गा रे। क्लियर हुआ? तो इस टाइप से क्या है पूरी पूरी हुई। उसके बाद जो हमारी जो लाइन रिपीट होती है, वो जो लाइन आती है जो कि लिरिक्स में जो रहेगी वो ये है कि बजा के दिखाता हूँ, वो दोबारा से वैसे ही बजे, काटू कैसे रहता ओ सांवरे जिया नहीं जाता सुन बावरे। सो ये था आज का ट्यूटोरियल। सो पूरा का पूरा सॉन्ग मैंने आपको लोगों को बता दिया, आप प्रैक्टिस करिए, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। और यदि आपकी कोई रिक्वेस्ट हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।